ऑप्शन ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं चार के चौके की। मानस आपके पास पहले आ रहे हैं। तो हर्षदा जी, सबसे पहला जो ऑप्शन में ट्रेड है वो चंबल फर्टिलाइजर्स में है, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक बार ये 301 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 20 से 25 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, और पैटर्न पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 300-301 का स्तर जल्द क्रॉस करेगा चंबल फर्टिलाइजर। इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है एट द मनी कॉल ऑप्शन 300 वाला 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4.90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए का टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है ग्लेनमार्क फार्मा पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आज यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 810 का इनिशियली, और अगर वो भी सही ठहरा तो 850 तक की जगह यहाँ पे बनती है। तो 810 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 770 का। ग्लेनमार्क फार्मा 785.60 पे ट्रेड करता हुआ, और अब अगला ट्रेड पिक करेंगे चार्ट का चमत्कार रुचित जी से। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? कैश सेगमेंट में एनसीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरीली जो रिसेंटली स्टॉक में हाई लेवल से जो करेक्शन आया था उसमें बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस फॉल था। स्टॉक ने अच्छे सपोर्ट बेस 145-150 की रेंज में बनाया और अब यहाँ से प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एनसीसी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 155 के अराउंड, 148 के स्टॉप लॉस रख के 167 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पर एनसीसी आपने कैश की कॉल ली है, अगला ट्रेड पिक करते हैं। इनफैक्ट ये नॉट एग्जैक्टली डे ट्रेड, इट्स अ स्विंग ट्रेड, यानी फिर पोजिशनल ट्रेड होगा। गौरांग जी के सौजन्य से आएगा आज का मिड कैप फंडा। गौरांग, आज मिड कैप में आप क्या चूज कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत चर्चित है कुछ समय से, और ये सेक्टर जब चलता है तो इसके साथ साथ कुछ अन्य सेक्टर्स हैं जो चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स है, सैनिटरी वेयर है, सिरामिक टाइल्स वगैरह है, पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसी कंपनियां हैं। तो सिरामिक टाइल्स से जुड़ी हुई एक कंपनी काफी समय से जिस पर हमारी नजर बनी हुई है वो है कजरिया सिरामिक्स। और न तो सिर्फ ये एक बहुत ही दुरुस्त नई इमारतें बनती हैं तब इनको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन जब हाउस डेकोरेशन या फिर इंटीरियर डेकोरेशन या फिर आप रिनोवेट करते हैं आपके घर, तो फर्श की भी सीलिंग आप कभी कभी बदल देते हैं, तो ये जो रिप्लेसमेंट डिमांड है ये भी काफी अच्छी और करेक्शन के पश्चात काफी आकर्षक लग रहा है हमें। 1610 का टारगेट है, ये मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ओके, कजरिया सिरामिक्स आज का आपका कन्विक्शन कॉल है। एक एक करके जो हमने यहाँ पे चार का चौके में ट्रेड्स पिक किए, पहले देखते हैं मानस ने क्या पिक किया। मानस और राजेश जी ने आज का सस्ता ऑप्शन और सुपरस्टार पिक किया। सस्ता ऑप्शन था चंबल फर्टिलाइजर्स की 300 की कॉल, जो राजेश जी ने पिक करी यहाँ पर, सॉरी मानस जी ने पिक करी, राजेश सतपुते जी ने यहाँ पर पिक किया था आज ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा स्पेस में उन्होंने दाव खेला फॉर अ टारगेट ऑफ 810-850, 770 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही साथ रुचित जैन ने आज पिक किया था एनसीसी कैश कॉल, और गौरांग जी ने मिड कैप फंडा में अभी कुछ देर पहले ही पिक किया। और मतलब चार ट्रेड्स हुए यहाँ पे, कजरिया सिरामिक्स, रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में इन्होंने दाव खेला। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स की।